तो ये दो जगह जो है वो बेस्ट है सबकट लगाने के लिए, चमड़ी में इंजेक्शन लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से चमड़ी को खींच लेंगे, वो खींचने के बाद में हम इसे इस तरह से धीरे से इंटर करेंगे। ये देखिए हमने इसे आधा इंच जो है अंदर कर दिया है, और अंदर करने के बाद इस तरह से छोड़ दें और इस तरह से महसूस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बकरे बकरी को चमड़ी में इंजेक्शन कैसे लगाएं, मतलब जो इंजेक्शन सबकट लगता है उसे कैसे लगाएं, किन किन सावधानियों का ध्यान रखें। जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि बकरे बकरियों को सुई कैसे दें, मतलब इंजेक्शन कैसे लगाएं। तो उसमें हमने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना सिखाया था, जिसमें कि बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और वो अपने बकरे बकरियों को खुद से इंजेक्शन लगा लेते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से हमारे बकरी पालकों की डिमांड आ रही थी कि सर हमने इंट्रामस्कुलर मांस में लगाना इंजेक्शन तो सीख लिया है, पर जब चमड़ी में इंजेक्शन लगाते हैं तो कई बार सुई जो होती है निडिल होती है, चमड़ी के आर पार निकल जाती है, कई बार इंजेक्शन इंट्रावीनस लग जाता है, मतलब नसों में लग जाता है, और कभी कभी अगर सीरीज को निडिल को हम अगर सीधा लगाएं तो मांस में चली जाती है। तो आज की वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सबकट इंजेक्शन लगाना सिखाऊंगा, मतलब कि चमड़ी में इंजेक्शन कैसे लगाना है वो आपको मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से घर पर अपने बकरे बकरियों को चमड़ी में इंजेक्शन दे सके, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कई वीडियो बता चुका हूं कि बकरा बकरी के डॉक्टर नहीं है, हमें खुद अपने फार्म का डॉक्टर बनना पड़ेगा। तो आपको सभी तरह से इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। तो कई ऐसे बकरी पालक है जिन्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता है, तो हम हमारे इन वीडियोस के माध्यम से उन्हें इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। हम आपको हमारी बकरी को जो इंजेक्शन लगाकर दिखा रहे हैं चमड़ी में, उसका नाम है डोरासाइड। इसमें जो सॉल्ट है वो है डोरामैक्टिन। ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ है। अगर आपके बकरा बकरी में कभी भी बाहरी परजीवी जैसे जू, चीचड़, पिस्सू, किनले या फिर चमड़ी में इन्फेक्शन हो, हेयर फॉल हो, तो आपको सबकट इंजेक्शन लगाना होता है, फिर चाहे वो आयरमेक्टिन हो चाहे डोरामेक्टिन हो। किसी भी तरह का अगर स्किन इन्फेक्शन है तो आपको चमड़ी में ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसका रिजल्ट बेहतर मिले। और इंजेक्शन के ऊपर मेंशन होता है कि आपको उसे SC लगाना है, मतलब सबकट लगाना है चमड़ी में, या फिर IM लगाना है इंट्रामस्कुलर मांस में। तो जिस इंजेक्शन पे सबकट लिखा हो उसे आपको किस तरह से लगाना है वो मैं आपको लगाकर दिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको एक सिरिंज लेनी होगी। सिरिंज आप कोई भी साइज की ले सकते हैं, 5 ml, 10 ml। आपको खास निडिल का ध्यान रखना है, जो सुई होती है उसका ध्यान रखना है। तो आप 21 नंबर निडिल है जो हम हमारे अपने फार्म में बकरा बकरी में यूज करते हैं, तो आपको 21 नंबर निडिल ही यूज करनी है। इसके अलावा जब भी आप अपने बकरा बकरी का या बच्चों का इलाज कर रहे हैं निडिल सिरिंज से, तो आपको हर बार निडिल चेंज करनी है। जो सुई होती है इसे हर बार चेंज करना है, क्योंकि जिस बकरा बकरी की बीमारी में आप इलाज कर रहे हैं उसी निडिल से अगर किसी और बकरा बकरी इलाज कर देंगे तो उसकी बीमारी उसको लग सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीरिंज आप 5 बकरा बकरी तक यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक सीरिंज से 5 बकरा बकरी को इंजेक्शन लगा सकते हैं, उसके बाद आपको सीरिंज भी चेंज करनी है। तो जैसा आप देख रहे हैं हमने एकदम न्यू निडिल ली है, तो इसे हम लगा लेते हैं। इसे लगाते समय अच्छे से फिट कर दें, क्योंकि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो प्रेशर पड़ता है इस तरफ से, तो यहां से निडल निकलने का रिस्क होता है। इस तरह से अच्छे से लॉक कर दें इसे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम डोरामेक्टिन इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, जो कि बाहरी परजीवी के लिए होता है, तो ये हम कभी भी यूज कर सकते हैं जब भी हमको लगे कि हमारे बकरा बकरी को बाहरी परजीवी परेशान कर रहे हैं। यह जो इंजेक्शन है यह 1 ml लगता है सबकट, मतलब चमड़ी में लगता है 1 ml, फिर चाहे आपका जानवर 1 महीने का हो, चाहे वो 4 साल का हो, चाहे उसका कितना ही वेट हो। अब इसको किस तरह से लगाना है आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बकरी के पूरे शरीर में कहीं पे भी आप सबकट इंजेक्शन लगा सकते हैं, मतलब चमड़ी में लगा सकते हैं, तो आपको कहीं भी नहीं लगाना है। कुछ लोग होते हैं जो पीछे के थाई के पास लगा देते हैं, तो यहां लगा सकते हैं, पर बाकी जगह पर जैसे गले पर चमड़ी पकड़कर लगाते हैं, यहां पर स्किन पर लगाते हैं, तो वहां आपको नहीं लगाना है। आप या तो पीछे के पैर के पास लगाएं यहां पर चमड़ी में लगाएं, या फिर अगले पैर के पास यहां पर चमड़ी में लगाएं। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर जब जानवर चलता है तो जो दवा हमने लगाई, इंजेक्शन लगाया है, वो ऑटोमेटिकली पूरे शरीर में फैल जाती है। उसके अलावा इसकी मसाज अच्छे से हो जाती है, तो बकरे बकरी को दर्द नहीं होता है। तो ये दो जगह जो है वो बेस्ट है सबकट लगाने के लिए, चमड़ी में इंजेक्शन लगाने के लिए।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से चमड़ी को खींच लेंगे। वो खींचने के बाद में हम इसे इस तरह से धीरे से इंटर करेंगे। ये देखिए हमने इसे आधा इंच जो है अंदर कर दिया है, और अंदर करने के बाद इस तरह से छोड़ दें और इस तरह से महसूस करें कि क्या वो चमड़ी में है। तो आप देख सकते हैं चमड़ी में है। उसके बाद वापस से इसे खींच के अब इसे धीरे धीरे प्रेस कर दें। ये देखिए ये हम लगा चुके हैं, हल्का सा इसे मल दें, इस टाइप से मसाज कर दें। इसके बाद जब बकरी चलेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी मसाज हो जाएगी। और इसके अलावा आपको इंजेक्शन लगाते समय ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं, आप इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, इंट्राविनस लगा रहे हैं, या फिर सबकट लगा रहे हैं, कभी अकेले को नहीं लगाना, मतलब सिंगल पर्सन को नहीं लगाना है। क्योंकि बकरा बकरी है, जब भी हम इंजेक्शन लगाएंगे तो सुई देंगे तो वो डरेगा, उसे दर्द होगा तो भागेगा। तो आपको किसी एक सिंगल पर्सन का सपोर्ट लेकर अपनी बकरी को कस कर अच्छे से पकड़वा लेना है, जिससे कि इंजेक्शन लगाते समय वो हिले डुले ना, और जब चमड़ी में इंजेक्शन लगाए तो चमड़ी में ही लगे, और आईएम लगा रहे हैं इंट्रामस्कुलर तो वो इंट्रामस्कुलर लगे। क्योंकि अगर जानवर हिलेगा तो चमड़ी का इंजेक्शन जो है मांस में भी लग सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने देखा कि चमड़ी में सबकट इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। सबकट इंजेक्शन लगाना बहुत ज्यादा आसान है जैसा आपने देखा, पर लगाने का सही तरीका आना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी है वो भी मैंने आपको वीडियो में बताई। तो इस तरह आप भी अपने फार्म की बकरा बकरियों को चमड़ी में इंजेक्शन सबकट बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।